हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं जेपी सर आप सभी को अटैक एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आज हम सभी जानेंगे कि क्लास टेंथ के मैथ विषय में किस पाठ से कितने अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसके बारे में आज हम सबों को चर्चा करना है। ठीक है, सबसे पहला पाठ होगा वास्तविक संख्याएं। जिससे 10 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, दूसरा पाठ होगा बहुपद। तीसरा पाठ होगा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। चौथा पाठ होगा द्विघात समीकरण। पांचवा होगा समांतर श्रेणियां। यह बीजगणित के अंतर्गत आते हैं। 1, 2, 3, 4 या 4 पाठ जो है बीजगणित के अंतर्गत आते हैं। इससे 20 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं? 20 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद आपका त्रिभुज होगा जो ज्यामिति के अंतर्गत आता है। उसके बाद आपका ज्यामिति में त्रिभुज हो जाएगा। त्रिभुज के बाद आपका हो जाएगा वृत्त की स्पर्श रेखा। उसके बाद होगा ज्यामितीय बनावट। यह तीन पाठ जो है ज्यामिति के अंतर्गत आते हैं। त्रिभुज, वृत्त की स्पर्श रेखाएं, ज्यामिति बनावट, यह तीन पाठ मिलाकर के 20 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, जो मैंने इधर लिख दिया है। इधर लिखा हुआ है 20 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद आपका हो जाएगा निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति से 10 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं? 10 अंकों के प्रश्न निर्देशांक ज्यामिति से पूछे जाते हैं। उसके बाद होगा त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति आठवां पाठ होगा। उसके बाद हो जाएगा ऊंचाई एवं दूरी। यह दोनों त्रिकोणमिति के अंतर्गत ही आते हैं, लेकिन यहाँ चैप्टर अलग अलग दे दिया है। यह दोनों मिलाकर के 20 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका हो जाएगा वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। उसके बाद हो जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। यह मेंसुरेशन के अंतर्गत आता है। इसे 10 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद आपका होगा सांख्यिकी। उसके बाद प्रायिकता। यह दोनों मिलाकर के 10 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। कुल पाठ के नाम आपको यहाँ दिया गया है। किस पाठ से कितने अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं इधर दिया गया है। ठीक है, टोटल जोड़ने पर 100 अंक पूर जाते हैं। कितने अंक पूर जाते हैं? 100 अंक पूर जाते हैं। अर्थात क्लास टेंथ के मैथ में 100 अंकों का एग्जाम होता है। ठीक है, कितने अंकों का एग्जाम होता है? 100 अंकों का एग्जाम होता है, जिसमें दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। 100 अंकों का एग्जाम जो होता है उसमें दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक आपका हो जाएगा खंड अ। क्या हो जाएगा? खंड अ। दूसरा हो जाएगा खंड ब। दूसरा क्या हो जाएगा? खंड ब। खंड अ और खंड ब दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, खंड अ में आपका जो पूछा जाएगा सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा। खंड अ में सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा। खंड अ में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे? सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, जो 50 अंकों का होगा। कितने अंकों का होगा? 50 अंकों का होगा। 50 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे खंड अ में ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इसमें 60 प्रश्न दिए जाएंगे। कितने प्रश्न दिए जाएंगे? 60 प्रश्न दिए जाएंगे। 60 प्रश्न दिए जाएंगे। इस 60 प्रश्न में से कोई भी आप 50 प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी 50 प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। 60 प्रश्न में कोई भी 50 प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हैं। और प्रत्येक प्रश्नों के लिए एक अंक निर्धारित रहेंगे। कितने अंक निर्धारित रहेंगे? एक अंक निर्धारित रहेंगे। अर्थात 50 प्रश्न का जवाब देना है, 50 × 1 अर्थात 50 अंक आपके हो जाएंगे, जो कि खंड अ तरह के प्रश्न में पूछे जाएंगे 50 अंक। उसके बाद खंड ब हो जाएगा। खंड ब दो तरह के हो जाएंगे। एक हो जाएंगे लघुतरीय, जिसको लघु मैं लिख रहा हूँ। दूसरा हो जाएंगे दीर्घतरीय, जिसको मैं दीर्घ लिख रहा हूँ। ठीक है, इसमें खंड ब में दो तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, लघुतरीय और दीर्घतरीय। लघुतरीय में कुल आपको 25 प्रश्न दिया जाएगा। कितने प्रश्न दिया जाएगा? 25 प्रश्न दिया जाएगा। और 25 प्रश्न में से सिर्फ 15 प्रश्न का उत्तर देना है। कितने प्रश्न का उत्तर देना है? 15 प्रश्नों का उत्तर देना है। और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के होंगे।
अर्थात इसमें दो से आप गुना कर दो, कितना आ जाएंगे 30 अंक। लघु उत्तरीय प्रश्न 30 अंक के पूछे जाएंगे। उसके बाद आपका वह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इसमें कुल 8 प्रश्न दिया जाएगा। कितने प्रश्न दिया जाएगा? 8 प्रश्न दिया जाएगा, और इस 8 प्रश्न में से सिर्फ 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। कितने प्रश्नों का उत्तर देना है? 4 प्रश्नों का उत्तर देना है, और प्रत्येक प्रश्नों के लिए 5 अंक निर्धारित होते हैं। कुल मिलाकर के यह 4×5 अर्थात 20 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, खंड ब में लघु उत्तरीय से 30 अंक और दीर्घ उत्तरीय से 20 अंक, कुल मिलाकर इसको दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो कितना आ जाएगा? 50 अंक। कितना आ जाएगा? 50 अंक आ जाएगा। ठीक है, 50 अंक आ जाएगा। तो आपने देखा कि ऑब्जेक्टिव में 50 अंक और सब्जेक्टिव में 50 अंक, कुल मिलाकर कितने अंक हो गए? 100 अंक हो गए। कितने हो गए? 100 अंक हो गए, अर्थात 100 अंकों का प्रश्न पूछा जाएगा। अब बात रह गई कि कितना देर टाइम मिलेगा। ठीक है, तो खंड अ प्रकार के प्रश्न होंगे उसके लिए 1 घंटा 10 मिनट का समय दिया जाएगा, जिसमें आपको 50 प्रश्न को सॉल्व करना है। इसमें कितने देर का टाइम दिया जाएगा? 1 घंटा 10 मिनट। और इसमें खंड ब तरह के जो प्रश्न होंगे इसको सॉल्व करने के 2 घंटा 5 मिनट का समय दिया जाएगा। कितने देर का समय दिया जाएगा? 2 घंटे 5 मिनट, अर्थात कुल मिलाकर के 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा। 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। टोटल समय दिया जाएगा 3 घंटे 15 मिनट, जिसमें 15 मिनट आपको प्रश्न पढ़ने के लिए दिया जाएगा, और 3 घंटे जो होगा उसमें आपको सही प्रश्नों को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, आपका यही 10th का सिलेबस है। इसके बाद मैं आप सभी को इस पाठ पर चर्चा करूँ, जब भी मैं वीडियो लेकर के आऊँगा, ठीक है, इस पाठ के बारे में चर्चा करूँगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।